मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। तो अरवी को पहले काट ले पतला पतला लाइक फ्रेंच फ्राइज की तरह, एंड उसके बाद उसे शैलो फ्राई कर ले और उसे पूरा तरह से मतलब गलाना नहीं है इसमें, थोड़ा सा मतलब छोड़ देना है क्योंकि छुकने के बाद थोड़ी सी गलेगी, बट इससे पहले आपको शैलो फ्राई करना है। और इसकी आगे की रेसिपी जो है मैं आप शूट करूँगी गाइस। इतनी मैंने प्याज यहाँ पे काटी है, उसके बाद मैं इसे जीरा डालूंगा। जीरा डालना था बट मम्मी ने बोला इसमें ये अजवाइन बनती है तो इसमें अजवाइन डालेंगे और जीरा डालेंगे इसके बाद। और ये इतनी शैलो फ्राई मतलब करनी है हल्की सी। इसे अजवाइन और जीरे मैंने मतलब प्याज डाली है, उसके बाद मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल दूँगी ये वाला, और इसमें मसाले बताऊँगी क्या क्या आपको डालने हैं। इसके बाद इसमें ये डालना है क्योंकि हल्की सी रेडिश हो गई है, इसमें भी ये डालना है। इसको तो स्लो प्रोसेसर पे इसे मतलब छोड़ना है। इसके बाद मैं हल्दी नमक मिर्च धनिया जो भी मसाले आप डालते हैं वो ऐसे करें और एक दो चम्मच पानी डालें और उसके बाद मिला के इसमें डालें, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाता है ऐसे करने पर, राइट, क्योंकि जलते नहीं है और अगर हम ऐसे डायरेक्टली डाल देते तो जल जाते हैं। तो ऐसे करके पेस्ट बना के इसमें डालते, फिर दिखाती हूँ कैसा लगता है। मसाला डलने के बाद कुछ इस टाइप की दिखेगी। मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दिया थोड़ी सी, उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसे चला ले थोड़ा सा क्योंकि मसाले मैंने अभी डाले और टमाटर पूरी तरह गल गए हैं, तो अगर आप ऐसे करके मसाला डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो जब कभी कभी तो मैं सब्जी बनाती हूँ बट मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ तो आपके साथ भी शेयर कर दूँ गाइस। मेरे घर में मेरी मम्मी उबाल के बनाती है ये, इसे सारी सब्जी क्या बोलते हैं, अरवी, अरवी की सब्जी। और इसको मतलब होने दो, तेल सा निकल जाएगा जब मसाले में से, उसके बाद अरवी मिला दे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे उबाल लें, पूरी सब्जी कंप्लीट हो जाएगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बताओ गाइस कैसी लग रहा है मसाला। तो गाइस ये कुछ इस टाइप की है, मैं गरम मसाला बाद में डालती हूँ, तो मतलब मिला लो ऐसे, तो इसमें पानी डाल दो और उबाल दो, उबलने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस होने वाला है गाइस। तो मैं घर वालों से भी रिव्यू लूँगी कि मैंने कैसी सब्जी बनाई है। तो गाइस ये है अरवी की सब्जी का लास्ट रिव्यू, तो इस टाइप की बनती है और इतनी डिलीशियस लगती है, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी इंग्रेडिएंट वाली सब्जी, ये मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं मतलब ट्राई करना। सो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल गाइस, और ऐसी ऐसी रेसिपीज के लिए कमेंट करें, बहुत ही टेस्ट लगेगी। रिव्यू भी दूंगी घर वालों को खाने के बाद।